या घरी सगळे किती आनंदात आहेत आणि आनंदी व्हायचा हक्क बाबा नाही आहे ना. बिलकुल आहे उन्हें हक. मम्मी त्यांना आता फोन करू? नाही नाही अभी नाही. प्लीज प्लीज मला बोलू दे. गौरीजी उन्हें कल बताते ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है मुन्ना. इस बात से ना हम बहुत खुश हैं. वो कहा है पड़पोता आएगा तो हमें सीधे स्वर्ग में जाने के लिए सोने की सीढ़ी मिलेगी ना. लेकिन दादी अगर पड़पोती आएगी तो क्या मिलेगा तुमको? मुंह मीठा कराना है? मतलब कोई खुशखबरी है क्या अम्मा? दीदी वो जो कुछ भी है हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि अम्मा ने खुद कहा है कि बाहर वालों को 3 महीने से पहले नहीं बताना. अरे उर्मिला बाहर वाली थोड़ी ना है, इस घर की बेटी है. अम्मा आप ही ने तो कहा था कि गौरी जी की शादी हो गई इसलिए आई बाबा उनके लिए पराए हो गए. तो इस तरीके से दीदी भी तो हमारे लिए बाहर वाली हो गई, पराई हो गई है ना दीदी. क्या एक्टिंग करते हो आप और उर्मिला दीदी. मतलब अम्मा को शक तक नहीं हुआ कि वो प्लान था. करते कैसे हुए? बस कर लेते हैं. किसी ने सच ही कहा है जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसी और को क्या दोष दे. बाबूजी, बाबू. अरे शिव गौरी आओ आओ. सॉरी बाबूजी हमें नहीं पता था प्राणायाम कर रहे होंगे. आप तो सुबह प्राणायाम करते थे ना, शाम को कब से शुरू कर दिया? जब से हमें पता चला है कि हम दादाजी बनने वाले हैं. अरे भाई क्या है कि जब हमारा पोता आएगा तो वो घर आंगन में खेलेगा दौड़ेगा भागेगा तो जाहिर सी बात है कि हम भी उसके पीछे भागेंगे. हैं? तो उस वक्त हम हाफ हैं ना. इसलिए हम फिट रहने के लिए दोनों टाइम हमने ये शुरू कर दिया है प्राणायाम. वैसे अब तुम लोग जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें प्राणायाम करना है. जी बाबूजी, लेकिन बाबूजी सुनिए ना, आपको थैंक यू कहना था. हमें नहीं चाहिए तुम्हारा थैंक्स, हम नाराज हैं तुमसे. क्यों क्यों बाबूजी आप नाराज क्यों हो? मुझसे कोई गलती हुई क्या? हाँ, क्योंकि जो बात हमें तुमसे पता चलनी चाहिए थी वो बात हमें सावन साहब से पता चल रही है. हैं? इसका मतलब यही है ना कि तुम हमें अपना बाबूजी नहीं समझती. अगर समझती तो ये बात तुम हमें पहले बताती. हैं? हमसे सलाह मशवरा करती. बाबूजी सॉरी. लीजिए दोनों कान पकड़ लिए. सॉरी बाबूजी, इस बार माफ कर दीजिए ना, अगली बार ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं. अगली बार मैं अच्छी बेटी की तरह पहले आपसे हर बात शेयर करूंगी. ठीक है? ठीक है ठीक है. अच्छा अब थैंक यू कह दो. कह दो. थैंक यू बाबूजी. वेलकम. अब से अगर वो अम्मा और अम्मा के इस लाडले ने कुछ भी अगर तुमसे कहे, तुम्हें परेशान करे ना, तो सीधे आकर हमसे कहना, एक मिनट में सीधा कर देंगे. अरे बाबूजी इसका क्या मतलब? क्या बाबूजी, क्या बाबूजी हैं? अरे हम तुम्हारे बाबूजी हैं, हैं? और बेटा हमको टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है. हैं? अम्मा जी ये ना मूंग के पेड़ है, इसे खाने से ना अकल आती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. हाँ. तुम रुको सर, तुम्हारी अकल तो हम ठिकाने लगाते हैं. सॉरी अम्मा जी, लेकिन हम तो बस ये उगे हुए पेड़ के बारे में ना. बस करो, ये जिन्हें तुम उगे पेड़ कह रही हो ना, इसे अंकुरित मूंग कहते हैं. और हमारे यहाँ जब किसी औरत की कोख में अंकुर हो तो उसे अंकुरित धान्य नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है. ये कैसा पाप, ये तो अन्न है ना. उल्टा तुम जो दे रही हो ना
वो गर्म पड़ेगा। ये मुंबई में गर्म पड़ता होगा, लेकिन यहाँ बनारस में मौसम ठंडा है, यहाँ पर यही खाया जाता है, तो गौरी को भी यही खाना पड़ेगा। ऐसे बात करते हो अम्मा? हाँ देखो, मौसम ठंडा हो या गर्म, लेकिन शुरुआत में गर्म नहीं खाते हैं। तुम ना इसको शेवट के महीने में, मुझे आखिरी महीने में खिलाओ, हाँ तब इसकी जरूरत पड़ेगी। बस बहुत हुआ आजी जी, आप मेहमान हैं, मेहमान बनकर ही रहिए। अम्मा प्लीज अज्जी को कुछ मत कहिए, गौरी जी से तो। बस मुन्ना तुम चुप रहो, हमारे बीच में बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। नहीं अम्मा ऐसी बात नहीं है, हम बस ये कह रहे थे कि गौरी जी से तो पूछ लीजिए उन्हें क्या खाने की इच्छा है ना। ये तो यही खाएगी, मूंग, क्योंकि इसने बचपन से तो यही सब देखा है, मूंग दालें पता नहीं क्या क्या, सूखे मेवे तो कभी देखे नहीं होंगे। देखे हैं और खाए भी हैं। हमारे मुंबई में ना बहुत मिलते हैं सूखा मेवा। आजी बस बहुत हुआ आजी जी, अब हमारे मामले में आप ना ही बोलें तो अच्छा है, क्योंकि ये घर हमारा है, ये बहू हमारी है, और इसके कोख में पलने वाला पोता भी हमारा है, इसलिए ये क्या खाएगी ये हमारे यहाँ के रीति रिवाज तय करेंगे, आप नहीं। आप आओ बाहर, हम छज्जे पे जाएंगे। तू जा नहीं, तू गौरी जी प्लीज आओ ना। मम्मी नहीं है ना, तू जा। कसं केलं होतं मी प्रपोज? प्रपोज जीव बीचला, बीचवर एवढ्या मोठ्या समुद्रावर? अरे काय जोरदार प्रपोज केला तुम्हाला, त्या चिडखोर आहेत, बघितलं या मामींनी बरोबर सांगितलं, बाकी आपले नुसते तुम्हाला वाईट वाटू नये म्हणून कौतुक करत होते, असंच पाहिजे मामी, व्हेरी गुड। प्लीज तिच्याशी बोल, अरे सकाळपासून डोकं उठवलंय तिने माझी। मग परी तिथे येते आणि त्याला म्हणते की मी तुझ्याशी फाइट करणार, आणि मग ती त्या राक्षसावर जादू करते, आणि त्या जादूमुळे राक्षस छोटा 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 व्हायला लागतो। अरे विक्रांत, विशेष काम काढले तुला ना, प्रेमाबद्दल काही कदरच नाही मला आहे की मग कशाला आमच्या घरी येऊन चोपडे बना केला? अरे तुला माहितीये का आम्ही कोणाचा वाढदिवस साजरा करत होतो, का करत होतो? तू माझ्या घरी येऊन पचकलास ना, म्हणून आता माझं घर बाहेर पडणं मुश्किल झालंय। घरी सत्यनारायणची पूजा वगैरे आहे, तर सगळ्यांना इन्व्हाइट करायचं होतं। शनायला सोडून, मी सगळ्यांना सांगतो, शनायला सोडून। हे डेफिनेटली कुठल्या तरी पूजेबद्दल बोलत होते, मग मी विचारल्यावर खोटं का बोललेत माझे? आता म्हातारीला त्या विठ्ठलाचं दर्शन फार वर गेल्यावरच तुम्हीच दोघ माझं विठ्ठल रुक्माई। फॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली 25 वर्षापूर्वी आम्ही एकत्र जन्माला आलोय, वी आर ट्विन्स, जुळी भावंड आहोत आम्ही। काय
मी सांगितलं होतं ना ते नवरा बायको नसणार म्हणून बघा. ए बाई तुझ्या ट्रेनला दोन्हीकडे इंजिन होती, तू काहीच ठरवलं नव्हतं, काहीतरी तू आता बोलू नको हा कळलं ना.